सीओईपी हो गया, बीएसटी हो गया, वीआईटी हो गया, है ना, वहाँ पे सीएस किसी से अरेंज करके दे सकते हैं। तो आपका पेमेंट का प्रोसीजर कैसा रहेगा? पेमेंट देखिए कैसा रहेगा कि जिस दिन एग्जाम होगा आपका, ठीक है, आपको उस दिन एग्जाम में जब आप सारा कुछ देख लेंगे अंदर में, जैसे जैसे हम आपको बताएंगे, ठीक है, वैसे वैसे आप जब कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मेरा काम हो गया है बैकडोर से जैसा गाइड किया गया था, ठीक है, मुझे आंसर प्रोवाइड कर दिए गए, ठीक है, तो उस दिन आपको 1.5 लाख का पेमेंट करना रहता है आफ्टर कंफर्मेशन, टोटल 52 लाख का खर्च बैठता है। हमारे एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट ने हमें एक ऑडियो क्लिप शेयर की है जहां पे उन्हें एक एडमिशन कंसल्टेंट का कॉल आता है एंड वो डोनेशन के थ्रू इंडिया के टॉप प्रीमियम कैंपसेस में उनके एडमिशन कराने की गारंटी लेता है एंड 6 लाख रुपए से लेके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इनफैक्ट 30, 40 और 50 लाख रुपए तक का अमाउंट एज अ डोनेशन मांगा जाता है। तो इस ऑडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल में स्कैम होता है। और ये इस वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है, इसमें और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे बिकॉज हर दिन हमारे पास बहुत सारे बच्चे अब रीच आउट कर रहे हैं ऐसे स्कैम्स को लेकर। एंड थैंक यू सो मच इस बच्चे का जिन्होंने हमें ये ऑडियो शेयर की, काइंड ऑफ स्टिंग ऑपरेशन इन्होंने किया एंड इससे हेल्प मिलेगी बहुत सारे बच्चों को एंड उनके पेरेंट्स को ऐसे स्कैम से बचने के लिए। सीओईपी हो गया, बीएसटी हो गया, वीआईटी हो गया, है ना, वहां पे सीएस किसी से अरेंज करके दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ, बट इसमें सबसे पहला हमारा वो है कि जो सेंटर वगैरह होता है वो हमारे अकॉर्डिंग रहेगा आपका, अच्छा ठीक है। हाँ, जैसे कि आपने औरंगाबाद घर से हैं आप, हाँ, तो आपके लिए आई थिंक नागपुर वगैरह आसपास पड़ेगा ना। नागपुर तो मतलब ऐसे दूरी है वैसा, हाँ, बट ठीक है, फिर मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या होगा, ठीक है। इसमें जो कैपिटेशन अमाउंट लगेगी आपको टोटल, ठीक है, वो अराउंड 12 से 13 लाख लगेगा, ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ MHCG वाला, ठीक है। इसमें आपको गारंटी ये रहती है कि आपको सीएस की ब्रांच आपको मिलेगी, ये गारंटी आपको लेकर चलता है, अच्छा ठीक है। दूसरा जो एक बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है, थोड़ा कम बजट में अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो वीआईटी वेलोर का है, अच्छा ठीक है। जनरली क्या होता है वीआईटी वेलोर में कि आप जो रेफरेंस कोटा सीट लेते हैं वहां पे, मतलब एग्जाम वगैरह खुद से आप अटेंड करके, ठीक है, बाद में जो बच्चे आते हैं वो सीट नहीं मिलती है, ठीक है, उसमें क्या है कि 497 का आपको पर ईयर फीस हो जाता है और 5 to 6 का डोनेशन चला जाता है, ठीक है। बट अभी क्योंकि हमारा क्या है एग्जाम वगैरह पेंडिंग है, एग्जाम होना है उनका, करेक्ट, तो अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है सेम कि हम लोग बैकडोर के थ्रू ही मेरिट कोटा का सीट ले सकते हैं उसमें, ठीक है। मेरिट कोटा में क्या अच्छी बात हो जाती है कि हम लोग आपको स्कॉलरशिप फीस जो है इनका ना फर्स्ट कैटेगरी का 1,97,000 एवरी ईयर, ठीक है, वो आपको मिल जाती है और डोनेशन जो है आपको 6 लाख रहता है इसमें, ठीक है। तो टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 + 6 14 लाख का पैकेज में वीआईटी वेल्लोर में आपको सीएस ब्रांच मिल जाती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, पैकेज है ये, मतलब पूरा एक पैकेज है, तो आपको एक पैकेज लेना होता है। मतलब अब इस इंडस्ट्री में भी, मतलब एजुकेशन में भी अब पैकेजेस होने लग गए हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आप जो फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, आप एक बार अगर इस बजट के लिए आप रेडी होते हैं कि नहीं मुझे ये कॉलेज में इंटरेस्ट है, ठीक है, इस बजट में इंटरेस्ट है, तो फॉर्म फिल करने से पहले एक बार आप कंसल्ट कीजिएगा, मैं आपके आसपास का ही कोई एक सेंटर जो आपको करवा दूंगा जहाँ पर मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ वहाँ। तो मतलब एग्जाम में आप मुझे हेल्प करोगे? हाँ, एग्जाम में हेल्प करेंगे हम आपको, अच्छा मतलब आप वहाँ पे आंसर्स वगैरह कुछ हाँ प्रोवाइड करेंगे? हाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे वीआईटी में अगर आपका अंडर 1,000 रैंक रहेगा, ठीक है, तभी मुझे सीएस की सीट मिलती है वहां पर 197 फीस पर, हाँ यस करेक्ट है ना। तो 1,000 के अंदर रैंक होने के लिए हमारे पास कुछ है व्यवस्था जो हम लोग आपको अरेंज करके दे देते हैं वहां पे एग्जामिनेशन में, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि जैसे उन्होंने बताया कि अंडर 1,000 अगर आपका रैंक आता है तो आपको बीटेक सीएससी मिलता है वीआईटी में। अब अगर आप पैसे देते हैं, मीन्स अगर आप डोनेशन देते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा तरीका भी है कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, मीन्स आपका रैंक अंडर 1,000 आ जाएगा।
अब उन बच्चों का क्या जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हैं, एज अ ड्रीम कॉलेज में भी उनका हो सकता है एंड उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए ना। तो मीन्स अल्टीमेटली फिर तो एडमिशन उसी का ही होगा जो पैसा दे पाएगा ना। आज इंजीनियरिंग की जो मुझे पर्सनली लगता है जो इंजीनियरिंग के बुरे हाल हैं, इनफैक्ट सभी के बुरे हाल है, बट इंजीनियरिंग के बहुत स्पेसिफिक अगर मैं देखूँ तो हम आए दिन कई बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यार इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब्स नहीं हैं। और एक न्यूज़ आर्टिकल्स ऐसे भी आते हैं कि मैक्सिमम जो इंजीनियर्स हैं वो इंजीनियरिंग करने के बाद उनके इंजीनियरिंग का ई तक नहीं आता है, बेसिक कोडिंग्स जो इंडस्ट्री डिमांड करती है मतलब वो बेसिक कोडिंग तक उनको नहीं आती है। अब होगा यही ना, अगर जो डिजर्व नहीं करता है अगर उसको एडमिशन मिल जाता है तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर कंसर्न रहेगा ही रहेगा। ये तो डोनेशन दे रहे हैं, हम उसी के हाथ में दे रहे हैं। ये हमारी गारंटी रहती है कि आपको जो वीआईटी वेल्लोर में सीएस ब्रांच फर्स्ट कैटेगरी में करा कर देना है। जी, वो कैसे होगी कि एक डिजायर जो रैंक है हमारा, वो रैंक हमें अप्लीकेबल होगा तो हमें सीट मिल जाएगा। अच्छा, जी, तो आपका पेमेंट का प्रोसीजर कैसा रहेगा? पेमेंट देखिए कैसा रहेगा कि जिस दिन एग्जाम होगा आपका, ठीक है, आपको उस दिन एग्जाम में जब आप सारा कुछ देख लेंगे अंदर में, जैसे जैसे हम आपको बताएंगे, ठीक है, वैसे वैसे आप जब कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मेरा काम हो गया है बैकडोर से जैसा गाइड किया गया था, ठीक है, मुझे आंसर्स प्रोवाइड कर दिए गए, ठीक है, तो उस दिन आपको 1.5 लाख का पेमेंट करना रहता है आफ्टर कंफर्मेशन एग्जाम के बाद, ठीक है। रिमेनिंग जो अमाउंट होगा, कुछ अमाउंट आपको जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, 1 वीक में रिजल्ट आ जाती है ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, आप रैंक देख लेंगे, आपको रैंक देख के समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या पोजीशन रहने वाला है। करेक्ट है, हमारा कमिटमेंट क्या है कि आपको अंदर 1000 रैंक लाकर देना है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि आपको पैसा कब देना है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा और जब आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस का आंसर बता दिया जाएगा तो आधे इंस्टॉलमेंट आपको तब पे करना है और आधा पैसा आपको तब देना है जब मे बी आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको एडमिशन मिल जाएगा तब आपको पैसा देना है। अभी सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जेन्युइन सा प्रोसेस लग रहा है कि यार ठीक है ना, सब कुछ प्रोसेस करने के बाद ही तो हमें पैसा देना है। बट समझने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए आपका एडमिशन नहीं होता है, पहली बात तो ये प्रोसेस ही पूरा गलत है, आप डोनेशन क्यों दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपका एडमिशन नहीं होता है तो सच बताइए क्या आप कुछ लीगल स्टेप या कोई लीगल प्रोसेस अपना सकते हैं? कोई लीगल प्रोसीजर आप नहीं कर सकते हैं, कुछ भी लीगली आप नहीं फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि आप उस स्कैम का ऑलरेडी एक पार्ट है, तो दिक्कत आपको भी आएगी और ये उनको बहुत अच्छे से पता है ना। बिल्कुल आपको थोड़ा सा अगेन यहाँ पे थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है। पेमेंट आप उस दिन कर देंगे अराउंड 1 to 1.5 to 2 लाख रुपीज। अच्छा, रिमेनिंग का जो अमाउंट बचा 2 लाख रुपए, ठीक है, वो आपको पेमेंट कर देना है जिस दिन आपका फाइनल सीट अलॉटमेंट हो जाएगा कॉलेज में, कौन सी सीट, ठीक है, उस दिन कर देना है। मतलब पहले कुछ नहीं देना है आपको, जो भी देना है जैसा जैसा स्टेप वाइज कंफर्मेशन होता जाएगा आपको पेमेंट क्लियर करता चला जाता है। और अगर मैं रिजल्ट के बाद ही पूरा पेमेंट करूँ तो वैसा नहीं चलेगा? नहीं देखिए, जो उस दिन सेंटर पे जो है ना, ठीक है, सेंटर पेमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेन जो हमारा हेल्प करते हैं वो सेंटर के पर लोग करते हैं, ठीक है, तो उनको एटलीस्ट कुछ अमाउंट हम लोग क्लियर कर देते हैं, तो सेंटर के लोग हेल्प करते हैं, मीन्स एक पूरा इकोसिस्टम इसमें लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, आपको कैसे कन्फर्म हो जाएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में क्या है कि आपको लॉगिन करना है और आपको सारा चीज जो है बैकएंड से आपको दिखता रहेगा कि आप किस स्क्रीन पे हो रहा है, ठीक है। ये पेपर और कोई दे रहे हैं? देखिए सभी सभी सब देखिए, पेपर और बैठ के दे रहे हैं यहाँ पे और ये हमें गाली और दे रहे हैं। आप बस लॉग इन कर लो, बाकी बैकएंड में सब हो जाएगा। बैकएंड में हमारा कोई बंदा होगा या हमारा कोई बैठा हुआ इंसान होगा जो पूरा प्रोसेस कर रहा होगा हमें। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आपके पास उतना नॉलेज जरूर होगा कि जो आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, मेरा सारा का सारा आंसर्स करेक्ट किया गया है पीछे से, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हो सकता है मेरा रैंक कहीं ऊपर आ गया नीचे आ गया, है ना, तो उसके लिए आप, मैं क्या करूंगा कि जो भी आप अमाउंट दोगे मैं उसका पूरा डिटेल चेक दे दूंगा अपने साइट पे आपको। जैसे कि मान लो आपने 1.5 का जो वहां पेमेंट किया, ठीक हाँ, तो आपका एक चेक मेरे पास रहेगा, साइन चेक। हाँ, एक चेक मैं आपका साइन चेक मैं आपके पास हैंड ओवर कर दूंगा, ठीक
10 days 15 days का 1 साल के, ये सब देख रहे हो कितना स्मूथ तरीका है पिचिंग का, मतलब बहुत तगड़ा, बहुत जो हमारा डिजायर्ड चीज है वो नहीं मिलता है तो ये अमाउंट मुझे वापस मिलेगा सर। अच्छा रिफंड होगा? रिफंड हो जाएगा हाँ। अच्छा। बट ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि ये काम हो गया है और आपको रैंक नहीं आया, वो इम्पॉसिबल वाला चीज है। बट आपके वो ये ट्रस्ट इशू रहता है हाँ बोलिए हाँ। तो आपके मतलब एक रिसेंट रिजल्ट का अगर कुछ आपके पास डिटेल्स होगा तो प्लीज भेज सकते हो। हाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, टेस्टिमोनियल भेजने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। समझा नहीं मैं। मतलब आपके अगर कुछ स्टूडेंट्स वगैरह अभी तक ज्वाइन हुए मतलब उनका कुछ रिजल्ट हुआ है वो मैं भेज सकता हूँ, लेकिन वो भेजना सही नहीं रहेगा। देखो आप अपने ऊपर ले, आप स्टूडेंट हो ठीक है, आप अगर आपका रिजल्ट मैं नेक्स्ट ईयर किसी को भेजूंगा तो आपको कम्फर्टेबल लगेगा? नहीं लाइक एक मतलब करवा दूंगा आपको ठीक है। अगर आपको बात करनी है आप महाराष्ट्र से ही हो ना? महाराष्ट्र के थ्रू मैंने 2-3 लोगों का जो काम करवाया है सारंग वीआईटी में ठीक है, मैं उनसे आपको कॉन्फ्रेंस करा दूंगा, आप उनसे क्लियर आउट कर लेना, वो बात करके आपको बस कंफर्म कर लेंगे। अच्छा हाँ ये मैं आपको कर सकता हूँ। हाँ चलेगा। नहीं मतलब एक रहता है ना कि वो मैं समझ रहा हूँ, देखिए हमारा ऑफिस है ब्रदर, आप पुणे में मेरा ऑफिस है, आप यहाँ चले जाओ नागपुर में आपको भंडारा पड़ता है ना? पुणे में कहाँ पे आपका ऑफिस? पुणे में मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। अच्छा हाँ, फिर भंडारा में हमारा ऑफिस है, फिर आप दिल्ली में अगर कोई रहते हैं दिल्ली में मेरा ऑफिस है। अगेन नेटवर्किंग देख रहे हैं आप, हर शहर में मीन्स हर बड़े शहर में ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, अब स्कैम अलग लेवल पे चल रहा है। बैंगलोर जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ मेरा हेड ऑफिस है ठीक है। अच्छा कोई भी आपके फादर के मान लीजिए रिलेशन में है जो बैंगलोर में रहते हैं ठीक है, ट्रस्ट है क्योंकि मुझे भी आपका काम करना है ठीक है, मैं भी आपको नहीं जानता ठीक है, जितना ट्रस्ट इशू आपको होगा मुझे भी तो होना चाहिए। बराबर है बराबर है ठीक है। तो एक होता है कि हाँ अगर काम करना ही है तो फेस टू फेस मुलाकात होनी चाहिए। बराबर है हाँ, तो वही इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपके सेंटर से। वो मैं आपको बता दूंगा उसमें आप टेंशन ना लीजिए ठीक है। आप औरंगाबाद से हैं तो आपको मैं लातूर करा दूंगा वीआईटी का सेंटर। अच्छा आपके लिए वहाँ पे मैनेज रहेगा ऐसा रहता है। अच्छा सब बच्चों के लिए नहीं होता है? ध्यान से सुनो, सब बच्चों के लिए नहीं होता है, तो जो पैसा देगा उसके लिए होता है, नहीं जो पैसा नहीं दे रहा है वो बेवकूफ है, जो मेहनत कर रहा है वो बेवकूफ है, जो पैसा दे रहा है उसका एडमिशन होगा। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हाँ, आपके लिए वहाँ पे जो है मैनेज रहता है। आप जब पहले अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो पहला चीज क्या करना है, आप अपने फादर मदर जो भी आपके टेक केयर करते हैं आपके एजुकेशन वाले का हाँ हाँ ठीक है, आप उनसे डिस्कस कर लीजिए ये इस अमाउंट के लिए आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं ठीक है। अगर उस अमाउंट के लिए कंफर्टेबल रहते हैं मैं आपके साइड के लिए एक बंदे से कनेक्ट कर दूंगा आपको ठीक है, वो सारा चीज आपका जो भी डाउट रहेगा क्लैरिफिकेशन देगा सब कुछ होके क्लियर आउट कर देंगे आपको। अच्छा ठीक है, वो नागपुर का ही लड़का है ठीक है, मेरा छोटा भाई यहाँ पे मेरे साथ रहता है वो बैंगलोर में, उनका ही ऑफिस है आपको भंडारा में। अच्छा ठीक है, आप आराम से आप जैसे वंस कन्फर्म करते हो। अगेन पूरा इकोसिस्टम है, जैसे मैं पहले ही बोल रहा था भाई फ्रेंड पूरा एक इकोसिस्टम है, एक चक्रव्यूह है एक तरीके से, इसमें आपको नहीं फंसना है। मैं उनसे आपको कनेक्ट करा दूंगा, आपके पेरेंट्स का भी जो डाउट हो वो सब कुछ छूट गया, किसी से बात कराना हो जिससे काम किया हो वो सब कुछ आपको टेक केयर कर देंगे। एक्सक्लूडिंग ट्यूशन फीस आपका मतलब ओवरऑल कितना रहेगा? मतलब 6 लाख डोनेशन रहेगा वीआईटी के लिए ठीक है, ट्यूशन फीस आपका 1,97,000 एवरी ईयर रहेगा। जो फर्स्ट कैटेगरी हाँ 1 ईयर का जो फर्स्ट कैटेगरी का उनका स्कॉलरशिप का फीस है 197 का है। अच्छा तो हम लोग उसी में हेल्प आउट करने वाले हैं आपको। अच्छा हाँ चलेगा सर, मैं बात करता हूँ। हाँ एक बार आप बात कर लीजिए, क्योंकि क्या है ना कि देखिए एक ही सेक्टर है हमारा महाराष्ट्र में हाँ लाचर में थोड़ा हाँ थोड़ा अर्ली बेसिस पे अगर नहीं करेंगे और सेंटर बन लीजिए ऑटोमेटिक अगर फिल आउट हो गया तो फिर आपको बाहर ट्रैवल करना पड़ जाएगा। ये समझ सकता हूँ। ये
तो आप एक दो दिन टाइम ले लीजिए आराम से, ठीक है, आप घर पर डिस्कस कर लीजिए, जैसे आपको लगता है कि नहीं आप मैं अपने फादर मदर से कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, आप कनेक्ट करा दीजिए, मैं मराठी में ही कनेक्ट कर दूंगा, वो आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देगा। अच्छा ठीक है ना, आपके ट्रस्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ बराबर है, मतलब आप मुझे तो आप समझ रहे हैं, बट ऐसे मतलब पेरेंट्स को कन्विंस करना, मतलब पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हाँ हाँ ठीक है, वही स्टूडेंट का हमारा एक, हम लोग ऑलमोस्ट एक उम्र के हैं, हमारा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। बराबर ठीक है, हमारा क्या है कि आपको हेल्प आउट करना है, और जो भी मैंने आपको अमाउंट का प्रोसेस बताया होगा वो कहीं से वो जेन्युइन लगा होगा, अरे कैसे ठीक है, हम लोगों ने तो क्या होता बोलेंगे आप पहले 25,000 दे दीजिए, 50,000 रुपए दे दीजिए, नहीं नहीं वो तो हाँ वो तो ये कर दीजिए वो कर दीजिए, हाँ ठीक है। तो हमारा ऐसे में बोला हूँ कि मेरा हम मुझसे पर्सनली मिलना है, कोई भी हो बैंगलोर आ जाइए, बैंगलोर में पर्सनली अपने ऑफिस में बैठ के आपको सारा चीज दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है, दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली में मेरे जो अपने भाई हैं उनका ऑफिस है, ठीक है, वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको सब कुछ दिखा देंगे वो लोग। ठीक है चलेगा, अगर मेरा पॉसिबल हुआ तो मैं आपके पुणे के ऑफिस में एक बार विजिट करूंगा, आप मुझे एड्रेस दे दीजिए। नहीं ट्राई ट्राई कीजिए आप दिल्ली, नहीं तो बैंगलोर के ट्राई कीजिए, पुणे के लिए वो ना उत्तर पाटी है। अच्छा ठीक है, मतलब हाँ मेरे फ्रेंड ही है वो, ठीक है, तो फिर उनके यहाँ जाओगे तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग आपसे बात करेंगे। अच्छा, और आपका बिटसेट के लिए भी कुछ है क्या? मेरे बिटसेट के लिए बदल है, लेकिन बिटसेट के लिए क्या है कि पहले पीसीएम में क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, पीसीएम 75% हाँ मिनिमम 75 होना चाहिए, ठीक है। आपने जेई का भी एग्जाम दिया है? हाँ जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने। कितना रहा आपका? वो कुछ सही नहीं आया सर, मतलब मेरे 27 की शिफ्ट 1 थी, परसेंटाइल इतनी कुछ खास नहीं है उसमें। कितना मतलब 50 प्लस है, 50 डाउन है? नहीं 50 प्लस और 60-65 के अब मतलब एक एवरेज में है। ओके देखिए बिटसेट देख रहे हैं तो बिटसेट में क्या है ना कि अगर आपका 75 ऊपर रहता तो मैं उसमें भी आई चांस लेता पकड़ने का। तो क्या है पूछिए? हाँ रीजन क्या है कि आप आ जाएंगे थोड़ा सा वो नेगेटिव चीज में कि इसको जेई मेंस में 60-70 आ रहा है, ठीक है, वो बिटसेट में कैसे क्लियर करिए अपना, नॉर्मल सा चीज है। हाँ बराबर है, वो भी हाँ वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, बट वहां पे मैं हेल्प आउट करूंगा। तो मतलब मैं वैसे देख रहा था मुझे बिटसेट देने में मतलब इंटरेस्ट लग रहा है। बिटसेट देखिए, बिटसेट ऑब्वियसली बिटसेट में क्या है कि जो उनके तीन कैंपसेस हैं, पहला पिलानी है, दूसरा गोवा है, तीसरा हैदराबाद है, ठीक है, तीनों में से किसी में भी सी या सी मिल गया तो आपका लाइफ बन गया, आपको ही पता है। हाँ पता है पता है, है ना, बट वहां पे क्या है मैं काम वहां पे करा के दूंगा आपको, ठीक है, अमाउंट भी बहुत ज्यादा है वहां पे काम करवाने का। टोटल जो डोनेशन अमाउंट है वो आपको 27-28 लाख रुपए चला जाता है। अच्छा, वन टाइम पेमेंट, जो एक्स्ट्रा पेमेंट है फीस के अलावा। अच्छा ठीक है, फीस जो है आपके आई थिंक अराउंड जो है उनकी 475 या 485 है एवरी ईयर। ठीक है, तो फीस तो वो सब सारे बच्चों के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, बट डोनेशन जो है आपका 27-28 लाख के अराउंड चला जाता है। अच्छा हाँ, इसमें भी अगर आप कॉम्पिटेट 27-28 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है भाई। बल है तो इसके लिए भी हमको बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिजल्ट आने दे। मैं एक कॉलेज का आपको और नाम बता रहा हूँ, ठीक है, PES यूनिवर्सिटी। कौन सा? PES बैंगलोर में है, PES यूनिवर्सिटी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, करंट टाइम में इंडिया का मतलब बिटसेट के बाद सेकेंड नंबर पे टॉप का, मतलब अगर यूनिवर्सिटीज में देखेंगे तो सबसे अच्छा प्लेसमेंट है का सीएस का। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, एनआरआईएफ एनजीनियर सब हटा के अगर आप देखते हैं तो मतलब जेनविन अगर रिव्यू देखते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी कॉलेज है इसका मैं। लेकिन ये तो इन्होंने बताया नहीं कि जेनविन रिव्यू देखने कहाँ पर है और कौन सा रिव्यू जेनविन है। बड़ी कॉलेज आप समझ जाओगे कैसे। हाँ, कॉलेज रिव्यू ऑब्वियसली, कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड में ही आपको जेन्युइन रिव्यू मिलेंगे, ग्राउंड रियलिटी मिलेगी। एंड हमने इंडिया के टॉप टीयर कॉलेजेस, टीयर वन कॉलेजेस, टीयर टू कॉलेजेस एंड टीयर थ्री कॉलेजेस में जा के वीडियोस बनाई है। मतलब हमने कोशिश ये करी कि अनबायस्ड न्यूट्रल इंफॉर्मेशन ही हम आपको प्रोवाइड करें। आगे सुनते हैं इसमें, खैर क्या ही बता रहे हैं। और कोटल से जो फीस है पर ईयर का 10 लाख
एग्जाम से भी। अच्छा। प्लस 12 लाख का डोनेशन है इनका, टोटल 52 लाख का खर्च बैठता है। बट भाई 52 लाख रुपीज तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर पाएंगे, और अगर कर भी लेते हैं और एज अ डोनेशन कोई अगर 52 लाख रुपीज किसी को देने के लिए रेडी हो जा रहा है एंड दैट टू इन अ प्राइवेट कॉलेज, तो पर्सनली मैं ये मानूंगा शायद ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी, बिकॉज इस बात की तो कोई गारंटी है ही नहीं ना, उस कॉलेज में जाके आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जानी है, आपको जो जॉब मिलनी है वो आपके स्किल्स के बेसिस पे मिलेगी। हालांकि हाँ ये गारंटी तो खैर ले रहे हैं, बट गारंटी जैसा वर्ड कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है गारंटी, राइट? तो बहुत ज़रूरी है अवेयर रहना, अदरवाइज जैसे 50-50, 60-60 लाख रुपए सब डोनेशन के तौर पे मांगेंगे फॉर श्योर। अगर हम सेम जैसे कि वीआईपी में आपको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है, उस मोड से जाते हैं तो 4,80,000 फीस है एसआईपीआर का और 11 लाख डोनेशन पड़ जाता है। हाँ भाई, मतलब कॉलेज अगर अपन चूज कर रहे हैं तो बस उसमें बस हाँ। क्या देख रहा हूँ मैं कि प्लेसमेंट और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या है, टेस्ट में अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, मेरी गारंटी है कि आपको आराम से आज के टाइम में 18-20 लाख का प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा। कितना? 18 से 20 लाख रुपए का प्लेसमेंट। और इंडिया का एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट कुछ और कहता है, एंजेरियन के बाद जॉब लग नहीं रही है, और यहाँ पे 18 से 20 लाख रुपए की गारंटी ली जा रही है कि प्लेसमेंट लगेगा ही लगेगा, है ना? हाँ वही, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो ही कॉलेज का फायदा है, नहीं तो फिर फायदा कैसा है? और ये मेरा क्या है, ये सब जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये सब आपको जो है थोड़ा जल्दी डिसीजन लेना होगा, क्यों एक बार फॉर्म का डेट गया, ठीक है, तो यही चीज जो है आपको डबल रेट में मिलेगा। बराबर है। तो अभी सेल चल रही है, उनका कहने का मतलब है तो जब सेल खत्म हो गई तो उसके बाद प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, तो भाई सेल से पहले खरीदने की बात कर रहे हैं। अमेजिंग, अभी आपको 14 लाख में मिल जा रहा है, ठीक है, बाद में आप आओगे आपको 25 लाख से नीचे नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है, वेबसाइट में होता ही नहीं है, मैनेजमेंट छोड़ दीजिए आप वहाँ पर, ठीक है। तो हाँ, पैसे का मैंने आपको बता दिया कि 52 लाख का कॉलेज सामने से आपको मांगता है, 10 लाख उनका फीस हो जाता है, ठीक है। मणिपाल है, मणिपाल में आपको करना है, मणिपाल भी हम लोग करके दे सकते हैं 10 दिन से, ठीक है। अच्छा, हाँ, बट वहाँ पे भी वही है कि हमको एग्जाम से थ्रू ही जाना है, फीस वहाँ ज्यादा है आपको, 19-20 लाख का फीस है 4 ईयर्स का, ठीक है, डोनेशन वहाँ 7 लाख का है। ये सब कॉलेजेस जो है बाद में जो कॉलेज मिलते ही नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट कोटा होता ही नहीं है। हाँ बराबर है, वो तो गवर्नमेंट उसमें तो मतलब कोई है ही नहीं वहाँ पर, तो फिर क्या हो जाती है ना कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। फिर जैसे महाराष्ट्र में क्या है कि आपको एक कॉलेज का ऑप्शन मैं भी दे सकता हूँ, नरसिंह मंडी का। अच्छा, ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र में रहना चाहते हो तो, ठीक है, नरसिंह मंडी वहाँ का आपने सुना होगा, सबको कॉलेज है महाराष्ट्र से, तो प्राइवेट में, ठीक है, वहाँ पे मैं करके दे दूंगा आपको, क्योंकि उनका भी एग्जाम अभी चल रहा है दिल्ली का। और सीओबी का कैसा रहेगा आपका? देखिए, सिंगल एनएचसीटी के थ्रू सिंगल कॉलेज कमिटमेंट नहीं होगा। अच्छा। वहाँ पे क्या है कि टॉप 5 का कॉलेज कमिटमेंट रहेगा, आप टॉप 5 अपना टॉप 5 कॉलेज चूज कर लीजिए, टॉप 5 में रहेगा। देखो सीओईपी, वीजीटीआई, पीसीआईटी, वीजीटीआई है, पीआईसीटी है, वीआईपी है, ठीक है, ये 4-5 कॉलेज है। अच्छा, इसमें हमारा गारंटी रहता है सीएस या उसका स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और लाइक मतलब ये वीआईटी के एग्जाम तो स्पेशल एग्जाम, इसलिए आप श्योरिटी दे दो। हाँ, उनका क्योंकि सिंगल एग्जाम है। इसमें क्या है कि ये परसेंटाइल करके लो, थोड़ा भी 0.1 से ऊपर नीचे हुआ, हाँ बराबर कॉलेज, हाँ ये 4-5 कॉलेज एक ही लेवल का है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये टॉप 1 है टॉप 2 है। हाँ, सही है, चार इसमें 5 कॉलेज में आपको कोई भी मिलता है सीएस, ईसीएस, स्पेशलाइजेशन, सीएस का मिल रहा है, मतलब सेटल डाउन हो, क्योंकि फीस कम है वहाँ पे आपकी, है ना। डोनेशन मान लो 12-13 लाख आपको लग रहा है वन टाइम में, बट क्या है फीस कम पड़ जाती है। हाँ बराबर, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 20 लाख में आपको पूरा खत्म हो जाएगा महाराष्ट्र सीटी करते हो आपको। अच्छा, बट आपने फॉर्म फिल कर दिया है, वो सेंटर आपको चेंज करना होगा, वो एडिट करने का ऑप्शन देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ भाई, अगर देंगे तो फिर देखता हूँ मैं आपको वापस करता हूँ। हाँ, देखेंगे तो फिर हम लोग उसमें भी कर सकते हैं। देखिए वीआईटी के लिए मैं ये बोलूंगा, वीआईटी का फॉर्म फिल करके लाखों सेंटर देख के रख लो,
30 मार्च को क्लोज होगा। और लातूर में तो मतलब बहुत ज्यादा सेंटर लग सकता है, तो फिर उसमें बाद में आता है एग्जाम से 4 दिन पहले पर स्लॉट बुकिंग आता है। ठीक है, तो उसमें जो भी आए उसमें तो डॉलर यूज करना है। अच्छा हाँ, तो इस बार क्या किया है ना, वीआईटी ने प्राइवेट सेंटर्स को नहीं दिया है, पर ओनली स्कूल और कॉलेज में ही एग्जाम होगा। अच्छा, तो लिमिटेड जगह ही होगा, ज्यादा जगह एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, चलेगा सर। मैं आपको मतलब अभी के लिए मैं इससे बोल रहा हूँ, अभी आप फॉर्म फिल कर लेना, सेंटर चूज करके रख लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं इसमें मुझे नहीं जाना है, आप आराम से 30 मार्च तक आपको डेट तक ऑप्शन चूज करके अपने यहाँ ले लेना, क्योंकि फॉर्म पे एनीवे आपको फिल करना ही है ना। स्टूडेंट हो तो आपको उसको चूज करना ही है जो ऑप्शन की, हाँ भाई ये कॉलेज मुझे लेना है। हाँ बराबर है। हाँ, अभी आपको बस ये करना है कि सेंटर अभी लेके रख लेना, ताकि मेरा एक ऑप्शन बना रहेगा, मैं पेरेंट्स से डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, बाद में ये डिस्कशन भी नहीं कर पाओगे पेरेंट्स। ठीक है ना, आप कर लीजिए, मैं होता हूँ एक दो दिन बाद में कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, और लातूर के बाद में मेरे मतलब जितने भी सेंटर है जो 2-3 मांगते हैं सिटीज के नाम, तो मैं मेरे हिसाब से एक ही मांगता है, वीआईटी में एक ही मांगता। अच्छा, एक ही मांगता है क्या? हाँ, वहाँ पर एक ही मांगेगा। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, आप वो करके मुझसे एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर बाकी चीजें होंगे हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, चलेगा। धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू। तो पूरी ऑडियो सुनी आपने, मतलब कितनी स्मूथ पिचिंग है ना, बहुत सारी जगह से गए, ठीक तो है, तो जेन्युइन तो है यार, मतलब ठीक है, आपको एग्जाम देना है, उसके बाद आपको पैसा देना है, अगर आपका हो जाता है तो आपको अल्टीमेटली पैसा देना है, आपको अप फ्रंट तो कुछ पैसा ही नहीं देना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था भाई, एक ऐसा जाल है, मतलब एक ऐसा दलदल है, आपने एक बार इसमें इनिशिएट कर लिया, आपने पैसा दे दिया, अब आपका एडमिशन नहीं भी हुआ कुछ नहीं कर सकते हो, आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो, बिकॉज आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप ऑलरेडी उस स्कैम का पार्ट हैं, राइट। एंड थैंक यू सो मच इस स्टूडेंट के लिए जिन्होंने हमें ये रिकॉर्डिंग शेयर करी, एंड ये रिकॉर्डिंग जिन्होंने हेल्प करेगी बहुत सारे बच्चों को एंड पेरेंट्स को। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, सो दैट और जो स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं वो स्कैम का पार्ट ना बन पाए, या कोई भी स्कैम उनके साथ ना हो पाए। एंड ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो फ्यूचर में आती रहेंगी ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी लाइन अप हैं जिनके साथ ये स्कैम हुआ है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहरों में बच्चों के साथ ये स्कैम हो रहा है और अलग अलग अमाउंट कोट किया जा रहा है, राइट। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।